हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अरुण सिंह ने किया नामांकन। राज्यसभा उपचुनाव में अरुण निर्विरोध चुने जा सकते हैं। पार्टी के कई पदों पर रहे आसीन, अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं। राजनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं अरुण सिंह, संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं। यूपी से खाली हुई राज्यसभा सीट प्रत्याशी के रूप में भाजपा के अरुण सिंह ने आज नामांकन कर दिया। लखनऊ में नामांकन करते वक्त यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी की यह सीट सपा की राज्यसभा सांसद तजीन फातिमा के विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई थी। तजीन फातिमा सपा सांसद आजम खान की पत्नी है और यूपी विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की छोड़ी हुई विधानसभा सीट से वो विजयी हुई थी। राज्यसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद अरुण सिंह ने पार्टी को धन्यवाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का आभारी हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति सदस्यों का कि राज्यसभा के लिए उन्होंने नाम मेरा उसके लिए चुना, और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, उसके साथ सभी विधायक जिन्होंने समर्थन दिया उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। एक साधारण से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली, उसके बाद आज उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के लिए अपना नाम अभी मैंने नामांकन किया। पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक साधारण कार्यकर्ता को दी है, इसके लिए सब मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता निष्ठा रूप से, मेहनत से, डेडिकेशन से, लगन से अगर काम करता रहे तो पार्टी अवश्य रूप में कार्यकर्ताओं को ध्यान देती है। अरुण सिंह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर आसीन थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाने का फैसला लिया है। इस सीट पर अरुण सिंह की नियुक्ति निर्विरोध होने की पूरी संभावना है। अरुण सिंह पहली बार संसद के उच्च सदन में जाएंगे, हालांकि उनका कार्यकाल 25 नवंबर 2020 तक ही रहेगा, क्योंकि ये सीट तजीन फातिमा के इस्तीफे से खाली हुई है। मतदान 12 दिसंबर को होगा और उसी दिन परिणाम भी आ जाएगा, लेकिन संख्या बल को देखते हुए ये लगता है कि अरुण सिंह को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिया जाएगा। अरुण सिंह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बैता गाँव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1965 में हुआ था। उनके पिता विजय नारायण प्राइमरी शिक्षक थे। चार भाइयों में अरुण सिंह सबसे छोटे भाई हैं। अरुण सिंह ने 1984 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में 1988 में सीए की पढ़ाई पूरी की। एसबीआई और यूनियन बैंक में 7 सालों तक नौकरी करते हुए अरुण सिंह यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक में कंसल्टेंट के पद पर भी रह चुके हैं। अरुण सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं। आरएसएस में संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। अरुण सिंह भाजयुमो में 1999 से 2004 के बीच उपाध्यक्ष भी रहे। अभी वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आसीन है और साथ ही उड़ीसा के स्टेट प्रभारी भी है। 2014 में मोदी कैंपेन में भी अरुण सिंह ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। अरुण सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार भी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।